my YouTube channel Welding Tech Satish. My name is Satish Chaudhary. ITI NCVT online exam को लेकर के काफी उथल पुथल चल रही थी, तो इसके रिगार्डिंग नया अपडेट आया है. अभी तक डिसाइड ये था कि जो 2018 में एडमिशन हुए हैं उनका पेपर ऑनलाइन होगा, और इसकी वीडियो मैंने आपको बना के डाली भी थी. सभी का पेपर ऑनलाइन होगा, इसमें आपका थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये पेपर आपके ऑनलाइन होने थे, जो 10 जून से इसकी डेट डिसाइड हुई थी. तो अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है. क्या बदलाव किया गया है ये हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपको देंगे. आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके. दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ITI से संबंधित जानकारी, अप्रेंटिस से संबंधित जानकारी, YouTube क्लासेस के माध्यम से आप तक स्टडी मटेरियल मैं इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं. हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. यहां पर अभी ये 30 अप्रैल को DGET के द्वारा ये नोटिस दिया गया है. जून 2019 में जो शेड्यूल बना था ऑनलाइन एग्जाम का, तो उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है. ये बिल्कुल न्यू अपडेट है. अभी तक सभी को ये पता था, ITI कैंडिडेट को, कि जो अगस्त 2018 से जो एडमिशन हुए हैं उनका पेपर ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन ही होना था. इसकी बार कई वीडियो हम डाल चुके हैं. अब इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है. यहां चेंजिंग क्या किया गया है, DGET ने 4 अक्टूबर 2018 को ये निर्धारित कर दिया था कि ये 19 दिख रहा है लेकिन ये 18 है. 4 अक्टूबर 2018 को ये क्लियर कर दिया था कि ITI का एग्जाम ऑनलाइन होगा. तो इसमें कुछ जो ITIs हैं, तो और स्टेट के जो ITI हैं, प्राइवेट ITI वगैरह जो भी हैं या गवर्नमेंट ITI, तो उनकी काफी रिक्वेस्ट DGET के में पहुंच रही थी कि उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया बच्चों की तैयारी के लिए, कि ITI के बच्चे ऑनलाइन पेपर देने में पूरी तरह से अभी सक्षम नहीं हैं. तो इस तरह से काफी रिक्वेस्ट थी. तो इसको रिक्वेस्ट को देखते हुए DGET ने कुछ चेंजिंग किया है. ये तीनों एग्जाम हमारे ट्रेड थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ये एग्जाम हमारे ऑनलाइन होने थे. इसमें प्रैक्टिकल और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पेपर हमारा ऑफलाइन होना था. ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजिंग हुई है, और वो चेंजिंग इस तरह से है. नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द वेरियस स्टेक होल्डर हैज बीन रिसीव्ड बाय DGET. DGET में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वेस्ट आ रही थी इसको एग्जाम को लेकर के, तो उनका कहना था कि अभी जो ITI के जो प्रिपरेशन के लिए जो स्टूडेंट ITI में स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए ना तो इतना अच्छे से उनकी प्रिपरेशन है, ना इसका कोई प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के बारे में कोई जानकारी इनको दी गई है, इसीलिए अभी ये एग्जाम आप ऑनलाइन ना कराया जाए, इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट थी. तो इसमें DGET ने इनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब डिसाइड ये किया है कि सिर्फ कोपा ट्रेड का एग्जाम ऑनलाइन होगा. बाकी जितनी भी ट्रेड हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, सबका OMR बेस ही एग्जाम होगा जैसे पहले होता था. ठीक है, तो अब ये कुछ क्या सभी ITI स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, जो ऑनलाइन एग्जाम देने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो अब उनके लिए ये क्लियर हो चुका है कि ये पेपर उनका ऑफलाइन ही होगा और सिर्फ कोपा ट्रेड का पेपर ऑनलाइन होगा. अब ये इस बार इसको 2019 जनवरी 2019 तक के लिए इस ऑनलाइन पेपर को डाल दिया गया है, और जैसे ये नेक्स्ट ईयर से ये लागू हो जाएगा, जनवरी 2020 से ये पेपर ऑनलाइन होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल जाएगा और मॉक टेस्ट वगैरह की भी फैसिलिटी DGET की साइट पर ओपन हो जाएगी. तो ये न्यू अपडेट थी. तो कहने का मतलब ये हुआ, अब जो पेपर पहले हमने वीडियो बहुत सारी बना के डाली थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संबंध में, तो अब चेंजिंग ये है
कि आप ऑफलाइन ही पेपर देंगे यानी ओएमआर बेस ही पेपर देंगे, सिर्फ और सिर्फ कोपा ट्रेड ऐसी है जिसका पेपर ऑनलाइन होगा। तो ये नई जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो आपके यार दोस्त हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सबको इस वीडियो को पता चले कि हमारा पेपर इस बार ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें।